हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनका कि नंबर है 2। ये लोग वो लोग हैं जो लोग किसी भी महीने की 2nd, 11th, 20th या 29th तारीख को पैदा हुए हैं। इनका रूलर होता है मून, जिसके कारण ये लोग बहुत ही इमोशनल, सेंसिटिव और क्रिएटिव होते हैं। नंबर 2 वाले लोग अक्सर नर्चरिंग और डिप्लोमेटिक नेचर के होते हैं, जो इन्हें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक अलग पहचान देता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे इन लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ट्रेट्स जो इन लोगों को चेंज करने चाहिए अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। उसके साथ मैं इनकी करियर ऑप्शंस भी बताऊंगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम 5 एफर्मेशंस जानेंगे जो ये लोग यूज करके अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। शुरू करने से पहले बहुत सही मुहूर्त है, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं ये वीडियोस आपके लिए बनाऊं और इनको रिलीज करूं, ये आप तक फटाफट से पहुंच जाएं और आपकी सारी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने में आपकी हेल्प करें। सब्सक्राइब कर लिया तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर 2 वाले लोगों के ट्रेट्स के बारे में जानते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये लोग इमोशनल और सेंसिटिव होते हैं। इन्हें अपने आसपास के लोगों के इमोशंस को समझने में आसानी होती है और ये लोग दूसरे लोगों के दुख सुख को गहराई से महसूस कर सकते हैं। ये एम्पैथी के मामले में सबसे आगे होते हैं। और आजकल आप देखिए, जब भी कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट की बात होती है, जब भी लीडरशिप की बात होती है, एम्पैथी जो है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और इसीलिए ये कैरेक्टरिस्टिक इन्हें आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि ये एम्पैथेटिक होते हैं, ये सेंसिटिव होते हैं, ये दूसरों की फीलिंग्स को समझ पाते हैं, उनसे रिलेट कर पाते हैं। नंबर 2 वाले लोगों में क्रिएटिविटी नेचुरली होती है। नंबर 2 के लोग अक्सर आर्ट से, म्यूजिक से, राइटिंग या किसी भी क्रिएटिव फील्ड से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। ये इनोवेटिव आइडियाज लाते हैं और अपने काम में एक यूनिक टच देते हैं, क्योंकि ये इसमें किसी तरह की क्रिएटिविटी भी लाते हैं। ये लोग हमेशा शांति और हार्मनी पसंद करते हैं, इसलिए पीस लविंग होते हैं। थोड़े डिप्लोमेटिक भी होते हैं, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट और लड़ाई झगड़े से दूर रहना पसंद करते हैं। इसलिए ये हमेशा ऐसे सोल्यूशन ढूंढते हैं जिसमें सबको खुश रखा जा सके। नंबर 2 के लोग नेचुरली केयरिंग और सपोर्टिव होते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो आपको हमेशा हेल्प करेंगे, आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे हर एंडेवर में और अपनी फैमिली के लिए भी बहुत बहुत केयरिंग होंगे। ये लोग ऐसे लोग हैं जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं कि अगर आपको कभी इनकी जरूरत पड़ेगी तो ये हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। अब बात करते हैं कि ये क्वालिटीज जो इनके ट्रेट्स हैं नंबर 2 वाले लोगों को, ये इनको कैसे नेगेटिवली कई बार ये इफेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी ये लोग इतने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कि छोटी सी भी बात इनको जो है वो बहुत हर्ट कर जाती है, और फिर उसको लेट गो करने में, उसको पीछे छोड़ने में इन लोगों को बहुत तकलीफ होती है। तो कई बार इनकी ओवर सेंसिटिविटी जो है इनको बहुत इमोशनल बर्डन दे देती है। दूसरा ये कि क्योंकि ये सब लोगों को खुश रखना चाहते हैं, सब लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं, तो कई बार इनको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सबको साथ लेने में डिसीजन लेना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। नंबर 2 वाले लोग ऐसे भी लोग होते हैं जो कभी कभी दूसरों पर ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट के लिए हो, चाहे वो प्रैक्टिकल हेल्प के लिए हो। सेल्फ रिलायंस पे काम करना इनके लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है इस टाइम पे। और क्योंकि ये मून से गवर्न्ड है, इनका मूड कभी कभी बहुत जल्दी चेंज होता रहता है, जैसे चांद चेंज होता रहता है। कभी ये बहुत खुश होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, और कभी कभी बिल्कुल ही लो हो जाते हैं, ड्रेन फील करते हैं। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं, अगर आप नंबर 2 के हैं तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी सिचुएशन दूसरे लोग हैं, जिस सिचुएशन में हैं, उसको आप अपना इमोशनल बर्डन ना बना लें। आप अपने मूड स्विंग्स का ध्यान रखें और लोगों को साथ लेके चलने में अपने डिसीजंस को पोस्टपोन ना करें। अगर ये थोड़ी सी चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप सक्सेसफुली सक्सेसफुल है। अब बात करते हैं आपके करियर ऑप्शंस की। तो पहली करियर ऑप्शन है क्रिएटिव फील्ड्स, जैसे कि आर्ट हो गया, म्यूजिक, राइटिंग, डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, ग्राफिक आर्ट्स, यूएक्स डिजाइनिंग। नंबर 2 के लोग
क्रिएटिव लोग होते हैं, इनको क्रिएटिव प्रोफेशंस में बहुत सक्सेस मिलता है, हीलिंग प्रोफेशंस, क्योंकि ये लोग इमोशनल होते हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग में बहुत अच्छा काम करते हैं, इसलिए काउंसलर्स, थेरेपिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर्स बन सकते हैं। नंबर दो के लोग डिप्लोमेसी और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए डिप्लोमेटिक जॉब्स में एक्सेल करते हैं, क्योंकि ये एम्पैथेटिक होते हैं, ये सबका पर्सपेक्टिव समझते हैं, तो उस सबको इकट्ठा लाके दूसरों का नजरिया प्लस अपनी एम्पैथी लाके ये एचआर जैसे रोल्स में, पब्लिक रिलेशंस में, टीचिंग में अच्छी तरह से फिट हो जाते हैं। सोशल वर्क और नॉन प्रॉफिट वर्क भी इन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, बिकॉज नेचुरली ये केयरिंग होते हैं, तो एनजीओ रिलेटेड फील्ड्स में जहां पे एक दूसरे की मदद कर सकें ऐसे कामों में ये एक्सेल करते हैं। तो क्रिएटिव जॉब्स, डिप्लोमेटिक जॉब्स, सोशल वर्क एंड नॉन प्रॉफिट, लीडरशिप, पब्लिक स्पीकिंग, आर्ट, सिनेमा, शाहरुख खान नंबर टू है, ऐसे फील्ड्स जहां पे ये अपनी एम्पैथी को यूज कर सकें, अपनी क्रिएटिविटी को यूज कर सकें, अपने केयरिंग नेचर को यूज कर सकें, सबको साथ लेके चलने में यूज कर सकें, वो फील्ड्स इनके लिए बहुत अच्छे फील्ड्स हैं, बहुत अच्छी करियर ऑप्शंस हैं। तो अब बात करते हैं पांच एफर्मेशंस की जो इन लोगों को सक्सेसफुल होने में और भी हेल्प करें। एफर्मेशन वन, आई मेक डिसीजंस एफर्टलेसली, आई मेंटेन बैलेंस इन माय रिलेशनशिप्स, आई हैव फेथ इन माय फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, आई लेवरेज माय क्रिएटिविटी टू एक्सेल इन माय लाइफ, आई हैव फुल कंट्रोल ऑन माय एनर्जी साइकल्स। तो देखा आपने, नंबर टू वाले लोग अपनी इमोशनल डेप्थ, क्रिएटिविटी और डिप्लोमेटिक नेचर के लिए जाने जाते हैं। ये लोग पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत केयरिंग, बहुत सपोर्टिव होते हैं। और हाँ, अगर आप नंबर दो हैं और आप सोच रहे हैं किसी भी क्रिएटिव फील्ड में जाना जैसे कि एक्टिंग या म्यूजिक, देर मत कीजिए, ट्राई जरूर कीजिए, बहुत चांसेस हैं कि आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। तो ये था आज का वीडियो, और अगले हफ्ते हम बात करेंगे नंबर थ्री वाले लोगों की, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ उनकी नेगेटिव ट्रेट्स को एनहांस करती हैं, और उनकी करियर ऑप्शंस और एफर्मेशंस को लेके। तब तक के लिए आप कीजिए सब्सक्राइब, शेयर कीजिए ये वीडियो, और मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। अरिगातो अबंडेंस।